तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। और आपके सामने आज एक किया की पीगास लाया हूँ। देख पा रहे हैं, पीगास है जो कि 2023 का मॉडल है और मेड इन चाइना है ये। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना वालों ने किया है। और तो चलो, इसमें एक कोड आ रहा है, कोड बोले तो एक लाइट आ रहा है, आपने एयर बैग की लाइट आ रही है। इग्निशन ऑन किया और चालू कर रहा हूं मैं। चालू किया, देख पा रहे हैं एयर बैग की लाइट आ रही है। तो एयर बैग की लाइट आ रही है तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है। एयरबैग की लाइट आने का रीज़न बहुत सारा हो सकता है। एयरबैग फॉल्ट हो सकता है, सेंसर का प्रॉब्लम आ सकता है, सीट बेल्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, मॉड्यूल का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारा कोड आ सकता है। एनीवे, लेकिन ये 2023 का मॉडल है। अपने को यहाँ देखना है कि ये तो बहुत न्यू मॉडल गाड़ी है, तो इसका हो क्या सकता है। सबसे पहले हॉर्न अपना नहीं बज रहा है, देख पा रहे हैं हॉर्न दबा रहा हूँ, कुछ हॉर्न की रिस्पॉन्स नहीं मिल रही अपने को। तो इससे पता मालूम ये चल रहा है कि इसका क्लॉक स्प्रिंग खराब हुआ है। तो चलो इसको अपन खोलते हैं, आज खोल के देखते हैं क्या सच में खराब हुआ है। दूसरा डाल के देखेंगे चलता है क्या नहीं चलता है। तो गाड़ी में करता हूँ ऑफ। अब इसको खोलने के लिए दो एलन की दिया है। ये देख पा रहे हैं दो एलन की है, दोनों एलन की मैं खोलता हूँ। तो 30 नंबर की एलेंकी है, दोनों खोल चुका हूँ मैं, चार मुंह वाली। तो अभी ये निकल जाएगा अपना, देख पा रहे हैं निकल चुका ये। तो इसमें हॉर्न वाले की क्लिप तो यहाँ दिया है, बाकी ये वाली सॉकेट निकालना है अपने को। तो ये वाला सॉकेट जो निकालना है ना, माइनस इसको डॉर से दिखा दे रहा हूँ, एक साइड इसको दबा के उठा के रखना है आपको। ये वाली चीज़ें ये ऊपर उठाएंगे तो ये सॉकेट इजीली अपना निकल जाएगा। तो चलो मैं निकाल देता हूँ, एक हाथ से ऐसे तो जमेगा नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। निकल चुका, तो अभी ये वाली लॉक से निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल चुका, अभी ये वाला बोल्ट खोल देता हूँ मैं। और एक ये वाली हॉर्न की रहेगी, ये वाली हॉर्न की है ये वाली। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, स्टीयरिंग सीधी रखना है। और उसके बाद ये वाला नट खोलना, मैं काफ़ी सारे वीडियो में बोल्ट बोल्ट बोलता हूँ, लेकिन ये वाला नट मुंह से बोल्ट ही निकल गया है। ये वाला नट खोलना है अपने को, तो चलो ये नट खोलता हूँ मैं। तो ये वाले मशीन से अपना इजीली ये बोल्ट नट खुल जाता है, एक हाथ से ही खुल जाता है। खुल चुका, तो अब अपने को स्टीयरिंग सीधी रखना है और थोड़ा सा यहाँ मार्क कर लेना है, क्योंकि जब उन अपन स्टीयरिंग डालेंगे ना तो सीधी पोजीशन में आ जाना चाहिए, बस सीधी पोजीशन में आ जाएगा यहाँ मार्क करके रखेंगे। तो चलो मैं मार्किंग कर देता हूँ इसमें, बस ये छोटा सा मार्किंग किया हूँ, ये देख पा रहे हैं स्क्रैच किया हूँ, और इसके ऊपर भी किया हूँ और इसके ऊपर भी, ताकि ये जब बैठेंगे ना अपन तो इजीली बैठ जाएगा, जो पोजीशन में खोले थे वो पोजीशन में बैठ जाएगा, और थोड़ा उस थोड़ा सा भी आउट नहीं होगा स्टीयरिंग बस। तो चलो इसको निकाल देता हूँ मैं, सॉरी एक सॉकेट निकालना रह गया ये वाली। तो ये निकल चुका, इसको पिक
ऑल कर देता हूँ। अब इसको तो सीधी रखना है, और एक दो और एक नीचे रहेगी स्क्रू, ये तीनों स्क्रू खोलता हूँ, इसको बाहर लेता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, इग्निशन यानी चाबी निकाल देना है अपने को, और उसके बाद इसको नीचे ये करेंगे, माइनस स्क्रू और से कटाएंगे, निकल जाएगा। तो नीचे का एक स्क्रू खोलना बाकी है, चलो इसको यहीं होल्ड कर देता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। अब अपने को क्लॉक रिंग का सॉकेट कौन सा है, ये वाली दो, बस इसमें दो ही सॉकेट दिए है। उसके बाद लॉक को निकालना है, तीन लॉक है टोटल। निकल चुका है ये, अब नया वाला पार्ट इसका कोरिया का है, लेकिन बट ये कार का जो अभी ये हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये मेड इन चाइना में हुआ है, ये पार्ट कोरिया का है। पार्ट वगैरह सब कोरिया का ही है, लेकिन बट मैन्युफैक्चरिंग ये लोग कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि किया वाले से कि कुछ गाड़ियाँ मैं अपने कंट्री से निकालूंगा, इस वजह से ऐसा दिखने को मिल रहा है। मैं भी कंफ्यूज था एक दिन कि मेड इन चाइना है, चाइना वाला किया कंपनी किया की गाड़ी कब से बनाने लगी। तो चलो इसको मैं फिक्स करता हूँ। तब फिर पता किया, फिर मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा चल रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि ये किया की पिगास मार्केट में बहुत ज़्यादा चला है, इस वजह से चाइना वालों ने सब चीज़ में आगे बढ़ रहा है अभी। तो चलो ये फिट कर दिया, और ये चीज़ें जो लॉक रहती है ना, ये स्ट्रेट पोजीशन में रहती है, तो आपको फिटिंग करना है, स्टीयरिंग स्ट्रेट रख करके ही फिटिंग करना है। ओके, तो चलो फिर मैं ये दोनों सॉकेट लगाता हूँ। सॉकेट लग चुकी है अपना, और ये वाली सॉकेट, बस दोनों सॉकेट लग चुका, फिट हो गया। अब इसको लगा देना है अपने को, ये भी लग चुका, इसको ऊपर उठा लेना है। तो मेरे को दोनों हाथ से प्रेस करना पड़ेगा इसको, तो मैं प्रेस करता हूँ जरा। तो फाइनली प्रेस हो चुका, अब एक दो तीनों स्क्रू लगा देता हूँ मैं। तो तीनों स्क्रू लग चुका, अब अपना ये लॉक निकाल लेता हूँ, ये लॉक निकल चुका। उसके बाद इस स्टीयरिंग को डाल देता हूँ मैं, ये सॉकेट लेना पड़ेगा इधर से मेरे को। देखो इतना जल्दी इधर चला गया ये घूम के, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना। तो अब ये मार्किंग पे देख लेना कि बराबर बैठ गया है ना, मार्किंग पे अपना बराबर प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना। तो बैठ चुका वही मार्किंग पे, जो मार्किंग पे खोले थे अपन, देख लीजिए। तो सॉकेट वगैरह लगा देता हूँ मैं, लग चुका। ये रही हॉर्न वाला, ये लग चुका। तो ज़रा यहीं से हॉर्न बजा करके देख लेते हैं चलता है क्या नहीं। तो देख पा रहे हैं हॉर्न बज रहा है। तो चलो उसके बाद ये बोल्ट फिट करता हूँ मैं। तो वापस से यही मशीन से आपको बस यहाँ पे
अप डाउन करेंगे तो ये टाइट खुलता है, और तो यहाँ से अपने को टाइट कर देना है। टाइट हो चुका है ये प्रॉपर तरीके से, स्टीयरिंग लॉक कर देना है अपने को, लॉक हो चुका। अब ये एयरबैग लगा देता हूँ मैं। कंपनी की तरफ से ये थैली दिया हुआ रहता है, कंपनी का सामान लेने जाओ तो बहुत सारा सेफ्टी रहता है, बाकी लोकल माल लोगे तो कुछ सेफ्टी नहीं दिया हुआ रहता है। तो चलो इसको मैं फिट कर देता हूँ, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही प्रेस कर देना है। इसका पोजीशन ले करके जैसे बैठता है ये, उसको ऐसे करके लेके दबा देना है। बैठ गया, यहाँ पे इसको लॉक कर देना है ये वाली। अब इसको वापस से ऐसे अपने पोजीशन में, स्क्रू को थोड़ा पीछे ले लें, जो स्क्रू इसमें आके टाइट होता है, और सीधी पोजीशन में इसको लाके लगा दें। तो देख पा रहे हैं उनकी आवाज़ हो रही है। तो चलो दोनों स्क्रू टाइट कर देता हूँ मैं। तो फाइनली फिट हो चुका है। अब मैं की इंसर्ट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ एयरबैग की लाइट जाती है क्या नहीं। देखो एयरबैग की लाइट जा चुकी, और इसको आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, लास्ट पोजीशन में लेना है और धीरे धीरे रहना है। लास्ट पोजीशन में आ चुका है, और इसको लास्ट पोजीशन में ला करके यहाँ पे चेक कर लेना है, फिर राइट साइड चेक कर लेना है, मतलब ये ओके प्रॉपर हो चुका, कोई फॉल्ट नहीं है। और तो गाइज ये सब चीज़ें मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि क्या क्या फॉल्ट आता है। अब देख पा रहे ये नई गाड़ी 23 का मॉडल है, बट इसमें क्लॉक रिंग का, क्लॉक स्प्रिंग का फॉल्ट आ चुका है। तो ये सब चीज़ों को बस ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ें अपन कर रहे हैं ना, बस वो चीज़ें सामने वाले को जो इस चीज़ से ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टेड है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ताकि दूसरा बंदा कोई अगर सीखना चाहे ना, इसमें इंटरेस्ट होना, तो उसको इजीली वो आगे अपने लाइफ में भर सके, बस और कुछ नहीं। बस यही चीज़ें हैं ताकि मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं, कोई फंडा नहीं है। और यहाँ की गाड़ियाँ ज़रूर देखें आप, अगर कोई बाहर कंट्री से इंटरेस्टेड हो के मैं बाहर कंट्री जाना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ के गाड़ियों का, वहाँ की काम कैसे होती है, वहाँ पे क्या क्या कोड आते हैं, फॉल्ट आता है, वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।